सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस क्लास में हम मुख्य रूप से जो चर्चा करने वाले हैं वो कुपोषण से संबंधित चर्चा करेंगे। कुपोषण की डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी। जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप सरस्वती विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखें और इसके बाद में आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण से तात्पर्य होता है कि जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसका मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव। प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। प्रोटीन कुपोषण का जो मुख्य प्रभाव पड़ता है, प्रोटीन कुपोषण का मुख्य प्रभाव मुख्य रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरावस्था पर पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि अन्य व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। यह मुख्यतः इसका प्रभाव पड़ता है, लिख देता हूं। तो देखिए कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनके लक्षण कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग हैं, क्वासियरकोर और मेरेस्मस, ये क्वासियरकोर जो होता है मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है और मेरेस्मस जो होता है ये प्रोटीन प्लस दोनों की कमी से होने वाला रोग होता है। क्वासियरकोर के लक्षण होते हैं कि ये जो क्वासियरकोर मेरेस्मस है दोनों ही मुख्य रूप से बच्चों को होने वाला रोग होता है। तो क्वासियरकोर में जो क्वासियरकोर से पीड़ित व्यक्ति हैं, अर्थात जो भी बच्चे होते हैं, उनका पेट फूल जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा शुष्क पीली धब्बेदार होकर के फटने लग जाती है, ये मुख्य रूप से इसके लक्षण होते हैं। इसी प्रकार से मेरेस्मस में शरीर दुबला पतला हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि शरीर एक हड्डियों के ढांचा मात्र नजर आने लगता है और आंखें कांतिहीन होकर के अंदर की ओर धंस जाती है। ये मुख्य रूप से मेरेस्मस के लक्षण होते हैं। तो ये था प्रोटीन कुपोषण। आखिर प्रोटीन कुपोषण को हम दूर कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है कि हमें अपना भोजन प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। जब प्रोटीन तत्व हमें उपलब्ध हो जाएंगे तो इन तत्वों की ऑटोमेटिक जब पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेंगे तो ये बीमारी जो है ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। फिर होता है हमारे पास में विटामिन कुपोषण। परिभाषा सिंपल सी है कि जब हमारे भोजन में विटामिन एक या एक से अधिक विटामिन की कमी हो जाती है तो हम इसे विटामिन कुपोषण कहते हैं। अब ये विटामिन कौन कौन से होते हैं देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, बी थ्री, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। हालांकि विटामिन ई और के हमारे सिलेबस का स्थान नहीं है अभी, बट हम पढ़ देते हैं साथ साथ जब विटामिन पढ़ ही रहे हैं। तो सर्वप्रथम देखो एक क्वेश्चन यहां से यह आ जाता है कि ये विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो आपको मेरे पीडीएफ में पूरा यूं का यूं लिखा हुआ मिलेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और बी वन का रासायनिक नाम थायमिन होता है, बी टू का राइबोफ्लेविन होता है और B3 का नियोसिन होता है।
सी को एस्कॉर्बिक एसिड नाम से जानते हैं, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, और ई जो होता है इसे थायोक्विनोन या फ्लोरोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनके रासायनिक नाम होते हैं, और इसी के साथ साथ आपको यहां याद करना पड़ता है ये रासायनिक नाम हो गए, और इसकी कमी के कारण होने वाले रोग कौन से होते हैं, उन रोगों के लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए विटामिन ए की कमी के कारण आपको यहाँ रोग लिखा हुआ मिलता है कि इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है ये होता है दांतों की देखिए विद्यार्थियों, आप जब मेरे द्वारा पढ़ी रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से स्टडी करना ही चाहिए। हालांकि यहाँ रोतौंधी जो रोग लिखा हुआ है, बट रोतौंधी जो है एक्चुअल में अपने आप में एक रोग नहीं है, रोतौंधी अपने आप में एक लक्षण है। विटामिन ए की कमी के कारण जो रोग होता है वो जीरोफ्थेल्मिया होता है, जीरोफ्थेल्मिया होता है। आप ऑब्लिक लगा करके इसे लिख लें, ठीक। रतौंधी अपने आप में एक लक्षण है, ये इसमें कम प्रकाश में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। बीवन के कारण तंत्रिकाएं व पेशियां कमजोर हो जाती हैं, ये इसका मुख्य लक्षण होता है। और B2 के कारण, हालांकि रोग का नाम लिखा हुआ है इसमें कि इसमें रोग का नाम होता है राइबोफ्लोनेसिस, तो राइबोफ्लेविसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग का जो लक्षण होता है इसमें मुख्य रूप से होठों की आसपास की जो त्वचा होती है वो फटने लग जाती है, ठीक है। और B3 के कारण जो रोग होता है वो पेलेग्रा होता है, इसमें मुख्य रूप से जीभ और त्वचा फटने लगती है, त्वचा पर पपड़ियां आ जाती हैं। C के कारण आप जानते हैं मुख्य रूप से कि मसूड़ों में होकर के खून आने लग जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है, इसमें हड्डियां व्यक्ति की जो हड्डियां होती है वो लचीली हो जाती है इसमें, और व्यक्ति सूखा रोग के नाम से भी इसे जानते हैं। ई के कारण नपुंसकता रोग हो जाता है, इसी प्रकार से के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, हेमरेज रोग भी कहते हैं इसे। रक्त का थक्का बनने का जो एक्चुअल टाइम होता है 3 से 6 मिनट का होता है, जब इस टाइम में देरी हो जाती है तो हम मानते हैं कि इसमें विटामिन के की कमी के कारण रोग हो रहा है, अर्थात रक्त का थक्का देरी से होता है। तो ये इसके मुख्य रूप से रासायनिक नाम हुए और ये इनके लक्षण होते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ ये याद रख लेना है कि विटामिन बी और सी दो ऐसे विटामिन हैं ये मुख्य रूप से जल में घुलनशील होते हैं, इसके अतिरिक्त जो विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और घुलनशील जो घुलने वाला होता है वो विलायक कहते हैं हम इसे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात जल जो होता है वो अकार्बनिक होता है। तो यहां आप कह सकते हैं कि अकार्बनिक पदार्थों में विलयशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो आप यहां बी और सी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त ए डी ई के आदि जो विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों का मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि आप इनमें मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है, ठीक। इसी प्रकार से आज हम और पढ़ते हैं खनिज कुपोषण के बारे में। जब हमारे बॉडी में खनिज तत्वों की कमी हो जाती है तो उनसे संबंधित बॉडी में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो हम इसे खनिज कुपोषण कहते हैं। मुख्य रूप से ये खनिज कौन कौन से होते हैं, इनके कारण बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए सोडियम पोटेशियम कैल्शियम फास्फोरस आयरन नाम से भी जानते हैं हम इसे, और मुख्य रूप से आयरन, इनसे संबंधित कोई भी एनी वन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
इनमें दोनों का आप एक ही लक्षण याद रख सकते हैं कि सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं ये तंत्रिकीय आवेग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तंत्रिकीय आवेग मांसपेशियों का संकुचन आदि आदि कई प्रकार की जो क्रियाएं होती है इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और शरीर का रासायनिक अपघटन में, रासायनिक अपघटन का मतलब समझ में आ रहा होगा आपके कि अब हम सोडियम एलिमेंट से डायरेक्ट तो ग्रहण करते नहीं है, तो ये सोडियम क्लोराइड के रूप में हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर इसका अपघटन होता है, तो वैद्युत अपघटन के रूप में या रासायनिक अपघटन होता है बॉडी के अंदर, तो ये टूट करके Na और Cl में डिवाइड होता है। तो इस प्रकार से हम इसे एक प्रकार से रासायनिक अपघटन के रूप में कह सकते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस हैं दोनों, आप एक ही यूज लिख सकते हैं कि ये दांतों और हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जब इनकी कमी हो जाती है तो हड्डियां मतलब संरंध्र, हड्डियां में रंध्र हो जाते हैं, यहां से हड्डियां भंगुर हो जाती है ये कह सकते हैं। फेरस आयरन जो होता है ये रुधिर में व्यक्ति के हीमोग्लोबिन का एक भाग होता है, जब इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति में चेहरा पीला पड़ जाता है, जिसे हम मुख्य रूप से पीलिया रोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जब चेहरा पीला पड़ जाता है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन, आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण को बढ़ावा देता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अगर मान लो आयोडीन का पर्याप्त मात्रा में संश्लेषण नहीं हो पाता है, अर्थात जब आयोडीन युक्त तो भोजन हम नहीं लेंगे, तो वहां पर व्यक्ति को थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। जब इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति में गलगंड, घेंगा या गोइटा, तीनों एक ही नाम है, आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया है कुपोषण के बारे में, और मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके बारे में हम मोटापा और नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और अपने स्टडी को कंटिन्यू जारी रखते रहें। जय हिंद।